मैं तुमल का फूल जी जी के सारी आवे रे मैं तुमल का। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, आपको मेरी तरफ से प्यार इसी गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ गई हूँ, सुबह के 7 बज गए। आपको पता है ईशु के पापा तो अभी गांव से आए नहीं, और वो थोड़ा सा काम भी है उनको, तो कहीं जाके भी आएंगे। उसके बाद मैं अब मैं चाय बनाई है। देखो मैंने अभी ईशु के पापा की चाय बच गई और मेरी मैंने डाल ली, तो कोई नहीं। पर ईशु और डुगो अभी सो रहे हैं, तो मैं पी लेती हूँ चाय, उसके बाद मैं काम स्टार्ट करूँगी। और आज हम कहीं जाने वाले भी हैं। ये ईशु का स्टडी रूम है और इसमें हम पूजा करते हैं, तो मैं यहाँ बैठ के चाय पीऊँगी। तो आप लोग भी चाय पी लो और फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। मैं का फूल जी जी के सारी आवे रे मैं का। तो गाइस, अभी नहा धो के मैं फ्री हो गई और बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है। तो देखो डुगू बच्चा, खड़ा हो जाओ। वाह, डुगू बच्चा की फोक बहुत अच्छी लग रही है। तो गाय जी, जिस घर में आज मैं जाऊंगी ना, वो दीदी की शादी है मेरे नीचे, जो अंकल जी की बेटी है उनकी शादी है, उनकी बेटी की। तो उन आंटी ने ही डुगू को ये फ्रॉक बना के दी थी पिछले साल, बहुत सुंदर सी। तो उनकी बेटी की शादी है, तो मैं आज उनके घर पे हम जा रहे हैं। आज है ना मेहंदी और हल्दी वाली रस्म है। तो ईशु के पास येलो कलर में कोई ड्रेस नहीं थी, ऐसे करके एक फ्रॉक थी, तो ये मैंने पहना दिया। और गाय जी, तो रेडी रहना फाइनल लुक देखने के लिए, तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। तो हेलो गाइस, आज है हल्दी और हम नीचे जा रहे हैं पार्टी जी आंटी के। और हम सब ने ना येलो येलो ड्रेस टी शर्ट पहना है, सिर्फ मम्मा ने भी पहना है, लेकिन उनकी लेकिन मम्मा का फाइनल लुक दिखाती हूँ। हाँ 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 नीचे। और डुगू बच्चा पता नहीं क्या क्या चीजें नीचे उतार उतार के फेंक रहा है, तोड़ रहा है। अब बोलेगा वाह, तोड़ दिया क्या, तोड़ दिया इसका ये है। तो गाइस अभी चलते हैं, तो वहां पे फिर आपको मिलाते हैं सबसे। और दीदी का भी हल्दी और मेहंदी की रस्म है जो हम पूरी करने जा रहे हैं, तो बने रहना ब्लॉग में। लेकिन मम्मा ओके गाइस, हम जा रहे हैं नीचे। मम्मी मेरी चप्पल कहाँ है? ये रे एक। हेलो हेलो, आप ना दिखाना
तो गाइज मैं अभी ना वहाँ पे तो जाके आ गई थी, हल्दी वाली रस्म जो पूरी करी थी वो हमने कर ली अच्छे से, और फिर डुगू क्या गोदी में ही सो गई थी मेरी मैं, तो आंटी और बोली चल कोई बात नहीं थोड़ी देर बाद में दोबारा आ जियो, अभी इसको सुला लेते हैं। फर्स्ट उनका ही है फिर फोर्थ फ्लोर पे मेरा है, तो बस लिफ्ट से जाना ही होता है। और गाइज आपको मैं बताती हूँ, आज मैंने क्योंकि मेहंदी और हल्दी दोनों थी तो मैंने येलो कलर की ओढ़नी वाली ये ड्रेस पहनी थी, और सब लेडीजों ने आपने देखा ही होगा सब ने येलो ग्रीन मतलब ऐसे पहन रखा था, तो सब अच्छा भी लग रहा था। देखो मैं तो ये कहती हूँ हमारे राजस्थान में जैसे ना कई घरों में नहीं होती, कई गांवों में हल्दी और मेहंदी की रस्म नहीं कराई जाती, लेकिन करानी चाहिए अच्छी लगती है, मतलब होती है पर बहुत कम घरों में होती है। देखो मैं कहती हूँ तो मेरा भी सपना है जब हमारे प्रकाश विष्णु की शादी करेंगे ना तो हम भी करवाएंगे हल्दी वाली रस्म, तो भाई जरूर करवाएंगे जब विष्णु की और प्रकाश की शादी करेंगे। पहले तो प्रकाश की होगी, वो बड़ा है मतलब मेरे से छोटा है प्रकाश, फिर उससे छोटा विष्णु है, तो विष्णु की तो हम अभी टाइम है, प्रकाश की करेंगे एक साल में कर लेंगे, एक डेढ़ साल है अभी प्रकाश के पास, उसमें हम रिश्ता देख दा के शादी कर लेंगे, तो वैसे अच्छा लगता है। और अब मैं दो चार रील्स वगैरह शूट करती हूँ मेरी, तो ये आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी और यूट्यूब पे भी, और हम मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद में। अभी छुट्टी भी देख रही है और डुगू सो गई, तो डुगू सो गई ना तो इसलिए ही हमारी रील बन जाएगी, नहीं तो नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती। और ये तो गाइज मैं लेके जा रही हूँ दूध, और आज यीशु के पापा ने तो शाम को दूध जा रहा है मेरा 2 लीटर दूध। तो गाइज मेरा शाम का खाना बन चुका है और ये डुगू बच्चा देखो गाइज आपको मैं बताती हूँ कि है ना मतलब आपको क्या बताऊं, जब छोटे बच्चों को पालना होता है ना बहुत बहुत बड़ी महाभारत है, सच बता रही हूँ। अभी मैंने देखो बाजरे की रोटी बनाई थी और चटनी पीसी थी मेरे लिए ये, तो ना मैंने डुगू को जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना हमेशा डुगू को मैं ऐसे किचन में बैठा देती हूँ स्लिप पे, और ऐसे बैठ के तब मैं खाना बनाती हूँ। आपको मैं सच में बता नहीं सकती कि बच्चों को संभालना, पूरा घर को मैं संभाल के, फिर बड़ी वाली बेटी स्कूल जाती है उसका ध्यान रखते हुए पूरा दिन, आप ऐसे सोचोगे कि चलो वो मिंटू झूठ बोल रही है पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह की उठी हुई रात हो जाती है और रात को भी डुगू बच्चा तो 12-12 बजे सोता है डुगू, तो 12 बजे तक ही मैं लगी रहती हूँ, ये सोचो जगती रहूंगी नींद आती रहेगी। और रात तो इतना थक रही थी ना, इसके पापा तो बिल्कुल ही देखो उनका तो अभी गाँव गए 2-3 दिन से, यहाँ रहेंगे तो ड्यूटी करेंगे अपनी, अब इतना फिर क्या करे, और ये ज्यादा परेशान करती है। प्यार करो मम्मी से, गाय अच्छी भी बहुत लगती है मेरी, बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी है मेरी बेटी, मेरे पे जब गुस्सा करती है ना ऐसे करेगी थूकेगी मेरे ऊपर, ऐसे गुस्सा करेगी ना तो मुझे अच्छा भी लगता है, जब ये गुस्सा करती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें रोटी है ना, इसमें रोटी है, चलो। तो गाइस अभी मैं खाना खा लेती हूँ, देखो ये मेरी रोटी है और ईशु देखो वहाँ पे खा रही है पहले से ही खाना, तो अभी मैं भी खाना खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद में। वो बहनी खाएगी साथ में,